अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद साजिद खान और आपके सामने आज 11 आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। इसका आंसर की मैं डालूँगा और आप देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए इसके बारे में थोड़ी बहुत मैं देख लूँ इस यहाँ। और हमारा जो दूसरा वाला चैनल है MSK सेंटर, उसके ऊपर डला हुआ है वीडियोस, और ये भी इसका भी आंसर की डल गया है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। पहले अपलोड वहाँ पे हुआ है, बाद में यहाँ पे हुआ है। तो पहले हमारा अपलोड MSK सेंटर पे हुआ, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि सारे सेट का वहाँ पे भी डाला गया, यहाँ पे भी डाला जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, क्लास 6 का भी डल चुका आंसर की, और 11th का भी डल चुका है, कॉमर्स का उस पर सबसे पहले डलने वाला है। तो आप हमारे नए वाला चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं कि जल्द से जल्द आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए। चलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं कि जामिया एमयू से अपडेट यहाँ पे डलते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका 2011, ये उनका कोडिंग है यानी बुकलेट सीरियल नंबर जो आपको मिलेगा उसको डाल देना है। वो तो आपके ऊपर कैंडिडेट रोल नंबर दिया हुआ है, सिग्नेचर ऑफ द इन्वेजिलेटर, टाइम 2 आवर का है, मैक्सिमम मार्क्स 100 का है। इंट्रोडक्शन टू कैंडिडेट करें कि ये इंट्रोडक्शन है, पहले इसको आप क्लियरली इसको पढ़ सकते हैं। प्लीज रीड वेरी केयरफुली द इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ द ओमार आंसर शीट। करें कि इसको पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, उर्दू हिंदी इंग्लिश इंग्लिश हिंदी उर्दू में लिखा हुआ है, इसको देख लें अच्छे तरीके से। देखने के बाद आपको क्वेश्चन की तरफ भी आना है। तो चलिए सबसे पहले इसको देख लिया आपने, ये कैसे फिलिंग करना देख लीजिए। इसमें राइट मेथड क्या है कि 4 में किसी एक को अच्छे से बबल करना, और ये रॉन्ग मेथड ये है कि इस तरह आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से जामिया इस्लामिया इसको दर्शा दिया, क्लियर क्लियर इंग्लिश हिंदी उर्दू तीनों लैंग्वेज में सही सही तरीके से आपको बता दिया। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बस मैं आंसर के ऊपर डिस्कस करूँगा। आंसर का मतलब ऑप्शन आंसर पढ़ूँगा, आप देख सकते हैं फर्स्ट का आंसर है फ्रांस, सेकेंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, थर्ड बाय अप्लाइंग डीप इरिगेशन मेथड, फोर्थ फिल्ट्रेशन, फाइव मोरारजी देसाई, सिक्स ग्राउंड वाटर, तमिलनाडु, सेवन तमिलनाडु, एट इंडिया, नाइन विनस, टेन बिहार एंड उड़ीसा, इलेवन दारवा रीजन कर्नाटक, ट्वेल्व राइस, थर्टीन जम्मू एंड कश्मीर, 14 मध्य प्रदेश, 15 गल्फ ऑफ कम्बे, 16 भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, 17 2.4, 18 35, एक्चुअली यहाँ पर 36 होता है लेकिन 35 ही आंसर है, नियरेस्ट वही है। 19 हजारीबाग एंड सिंघभम ऑफ बिहार, 20 कटन, 21 रीजनलिटी, 22 EVM, 23 पीपल शुड नॉट क्वेश्चन द गवर्नमेंट, 24 डेमोक्रेसी, 25 डिक्टेटरशिप इज द बेटर देन डेमोक्रेसी, दैट मीन्स डिक्टेटरशिप इज बेटर देन डेमोक्रेसी, 26 यूगोस्लेविया, 27 सिंगल सिटीजनशिप इन द वर्ल्ड,
28 26 नवंबर 1949 एज ए इंडियन सिटीजन, ये इसको आपको याद होनी चाहिए, 26 नवंबर 1949। 29 स्वीडन, 30 राजस्थान, 31 वाइस प्रेसिडेंट, 32 स्पीकर ऑफ द लोकसभा, 33 टू एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, 34 प्रेसिडेंट, 35 केरला हाई कोर्ट, 36 2 और 12, डेट मीन्स 12 इन लोकसभा एंड 12 इन राज्यसभा, 37 एडमंड बर्के, 38 इन एंशियंट ग्रीस, 39 ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, 40 जल जीवन मिशन, 41 रिलायंस लाइफ साइंसेस, 42 ICMR, 43 गूगल, 44 बजाज अलियांस, 45 USA, 46 इंडिया, 47 2.0, 48 राजस्थान एंड महाराष्ट्र, 49 रशियन एंड रशियन एम्पायर, 50 रेल रोड, 51 शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग, 52 चाइना, 53 रेनेसेंस मूवमेंट, 57 रेनेसेंस मूवमेंट, 54 अमेरिका, 55 1st January 1995, 56 UNCAD, 57 Switzerland, 58 United Nations Development Program UNDP, 59 3rd November 1950, 60 Non-Cooperation Movement, 61 1917, 62 1906, 63 2nd 1st 3rd, that means Lucknow, Kanpur, Allahabad, 64 19 September 2020, 65 Mahbubul Haq, 66 United Nations, 67 Directorate of Marketing and Inspection, 68 Mango, 69 1965, 70 Sugar Cane, 71 Myanmar, 72 Few Sellers of Few Buyers, 73 Maharashtra, 74 Rani Ganj, 75 SBI Bank, 76 Reserve Bank of India, 77 1995, 78 Directly on Consumer, 79 1861, 80 Payment Made by the Government for the Purchase of the Goods and Services, 81 1970, 82 A Farmer Irrigating His Field, फिर आपका पैसेज आ जाता है, पैसेज आप देख सकते हैं, इसको रीड आउट करने में टाइम, व्हाट कॉजेज बैड लैंग्वेज इन द एंड, एक्चुअली में इसको पैसेज को नहीं पढ़ा गया था, लेकिन आई मीन कि इसका जो आंसर होगा डी होगा, एन इजिप्शियन डैट नथिंग कैन बी डन अबाउट, क्योंकि इसको पैसेज को रीड नहीं किया गया था, थोड़ा सा इसमें माइंड से आउट हो रहा है, तो इसका डी होना चाहिए।
द ऑथर बिलीव डैट 84 आवर थॉट आर बिकमिंग अगलियर बिकॉज वी आर मेकिंग द लैंग्वेज अगलियर. 85 क्लियर थिंकिंग. 86 द प्रोसेस ऑफ एन इंक्रीजिंग बैड लैंग्वेज कैन नॉट बी स्टॉप्ड. 87 वी लिव इन अ डिकेड. 87 वी लिव इन अ डिकेडेंट सिविलाइजेशन. 88 इंपरेटिव. 89 एक्सक्लेमेटरी. 90 इंट्रोगेटिव. 91 विल गेट. 92 वेंट. 93 ट्राइज. 94 वॉज राइटिंग. 95 द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू कम इन. 96 द किंग सेड दैट हिज फोर्स वुड प्रोटेक्ट द किंगडम. 97 अलाइस आस्क्ड हर इफ शी कुड सी अ वुमन सीटेड ऑन द बेंच इन अ पार्क. 98 द मदर सेड दैट जैक हैड फेलन एज ही वुड हैव विज्ड. 99 नरेंद्र आस्क्ड विनोद व्हाई ही वॉज स्टिल वेटिंग देयर. 100 कृष्णा टोल्ड सुभाष दैट ही वुड रिटर्न द बुक आफ्टर ही हैड रेड इट. तो दोस्तों यहाँ तक तो हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारा जो नया वाला चैनल है MSK सेंटर उसको भी आप सब्सक्राइब करें. उस पर भी आपकी वीडियोस और क्लासेस होती रहती हैं ऑनलाइन. प्ले स्टोर पर जामिया कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर वहाँ से आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, PDF फॉर्मेट में आप स्टडी मटेरियल्स ले सकते हैं और मिनिमम चार्ज पे क्लासेस ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी. तो अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखना. डेट्स ऑल. अल्लाह हाफिज़.